Good morning class, myself Shweta Tripathi and I am your English teacher. Today I am going to start a new chapter that is of pronoun. Aaj hum pronoun ke bare mein padhenge. First of all, let's take the example of pronoun. Pehle hum ek example dekhte hain. Golu is fat. Yahan pe aap dekh rahe ho ki kisi golu ke bare mein baat ki ja rahi hai aur kya bataya ja raha hai aapko ki wo fat hai. Fat means kya hota hai? Mota hai. तो गोलू की, जैसा कि आप जानते हो, गोलू किसी का नाम हमारा क्या होता है? नाउन होता है. तो गोलू है किसी व्यक्ति या पर्सन का नाम है, तो गोलू हमारा क्या है? नाउन है. गोलू इज फैट. मैंने क्या बताया कि गोलू के बारे में वो कैसा है? फैट है. फिर मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है? ही इज फैट. गोलू के बारे में मैंने लिखा ही इज फैट. वह फैट है, वह मोटा है. अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? गोलू लिखा है. लेकिन दूसरी वाली लाइन में मैंने क्या लिखा है? गोलू की जगह क्या लिखा है? ही लिखा है. मैंने क्या लिखा है? गोलू की जगह मैंने क्या लिखा है? ही लिखा है. तो ही वर्ड हमारा जो है वो क्या है? प्रोनाउन है. अब प्रोनाउन आपको समझ में आ गया, मतलब कि व्हाट इज प्रोनाउन? वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. मतलब कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन. क्या बताया था मैंने आपको? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पे आते हैं, वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो आप देख रहे हो ये नाउन है और नाउन की जगह पे क्या आया है? ही आया है. दैट मीन्स गोलू हमारा क्या है? नाउन है. जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको बोला है कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं. तो आप देख रहे हो गोलू हमारा क्या है? नाउन है. और उसकी जगह मैंने क्या यूज किया? गोलू को, गोलू वर्ड हटा के मैंने क्या यूज किया? ही का यूज किया. दैट मीन्स ही इज अवर प्रोनाउन. तो आपको समझ में आया ना कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. दैट मीन्स कहीं भी आपको अगर नाउन की जगह पे आपको ये दिख रहा है, उसकी जगह पे आपने कोई दूसरा वर्ड यूज किया है, तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन. लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. दैट इज रवि आस्क मीरा इफ मीरा वॉन्ट रवीज बैग. रवि क्या है? एक लड़के का नाम है. मीरा क्या है? वो एक लड़की का नाम है. दोनों क्या है? नाउन है. आप लोगों को पता है ना किसी का नाम हमारा क्या होता है? नाउन होता है. तो यहाँ सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है कि रवि जो है वो मीरा से पूछ रहा है कि उसका बैग चाहिए. देन मैंने नेक्स्ट में इसको प्रोनाउन में चेंज करके क्या लिखा है? रवि आस्क मीरा इफ शी. रवि ने मीरा से पूछा. अब आप देख रहे हो प्रोनाउन में क्या होता है, ज्यादातर जो हम एक ही, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे हो रवि आस्क मीरा. एक बार रवि का नाम आया, मीरा का नाम आया, फिर दोबारा मीरा का नाम आपको दिख रहा है. इफ मीरा वॉन्ट रवीज बैग, मीरा का भी नाम आपको दिख रहा है दोबारा, रवि का नाम भी आपको दोबारा दिख रहा है. तो प्रोनाउन में यही होता है, जो हमारे नाम होते हैं, जो हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं, उस वर्ड को हम, उसके रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन. तो आप देख रहे हो सेकेंड लाइन में मैंने क्या लिखा है, जैसे रवि आस मीरा, ये हमारा पहली बार में उन दोनों का नाम आ गया. एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए. देन यहाँ पे आपने देखा था कि मीरा इफ मीरा वॉन्ट, आप यहाँ देख रहे दोबारा से मीरा का नाम आया. लेकिन इस लाइन में मैंने क्या किया, प्रोनाउन का यूज करके मैंने इस मीरा को किससे रिप्लेस किया? शी. अगर बॉय है तो ही होता है, गर्ल होता है, गर्ल होती है तो शी होती है. तो मैंने क्या किया, जो मीरा का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो ऊपर वाले सेंटेंस पे दो बार उसका नाम, अब दो बार उसके नाम आ चुके, मतलब बार बार रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने जब जो वर्ड यूज किया वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन. तो मैंने क्या किया, मीरा की जगह मैंने क्या लिखा? शी. She want his bag. अब his का मतलब क्या है? किसके किसके बैग की बात हो रही थी? रवि के बैग की बात हो रही थी, है ना? तो ही के लिए मैंने रवि के लिए क्या लिखा? his लिखा. एक बार फिर से बता रही हूँ, आप देखिए, जैसे रवि ask मीरा if मीरा want रवि's bag. अब आप देख रहे हो कि रवि और मीरा का नाम इस सेंटेंस में दो बार आ रहा है. तो हम प्रोनाउन में क्या करते हैं, जो एक से मतलब एक बार हमने वो वर्ड लिखा उसके रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसकी जगह पे वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन. तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन बनाया है उसका. तो आप देख रहे हो रवि आस्क मीरा, यहाँ पे एक बार इनका नाम आया, देन मैंने क्या किया, दोबारा जब मीरा का नाम आ रहा है तो वहां पे मैंने हटा करके क्या लिख दिया? शी. शी मतलब मीरा की ही बारे में बात हो रही है. शी वॉन्ट हिज बैग. तो यहाँ पे आप देख रहे हो रवि की जगह मैंने क्या लिख दिया? हिज लिख दिया. तो शी और हिज हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीता वेंट टू मार्केट. अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो सीता जो है वो क्या है? किसी पर्सन का नाम है, नेमिंग वर्ड है. वो कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही है. शी वॉन्टेड टू बाय सम ड्रेसेस, और वो कुछ ड्रेसेस खरीदना चाहती है.
तो मैंने यहाँ पे शी क्यों लिखा, क्योंकि क्योंकि हमें यहाँ प्रोनाउन बनाना है। प्रोनाउन में क्या होता है कि एक ही वर्ड को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, नाउन की जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो सीता की जगह हमने क्या लिख दिया, शी लिख दिया, और बता दिया कि उसको कुछ नए ड्रेसेस खरीदने हैं, इसलिए वो मार्केट जा रही है। नेक्स्ट है आपका लुक द टेबल, सम प्रोनाउंस आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं, आप जब वर्ड बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, तो उसमें आपको कुछ प्रोनाउंस दिए रहते हैं, उसमें आपको पहचानना रहता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या उसमें से सिंगुलर है, क्या प्लूरल है। अब सिंगुलर आप लोगों को पहले ही मैंने बताया हुआ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और प्लूरल क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आप देख रहे हो सिंगुलर में क्या, सिंगुलर में हमारे कौन कौन से पर्सन है, हमारा आई, आई आता है सिंगुलर में, ही शी यू इट, ये हमारे क्या है, सिंगुलर है। प्लूरल में क्या आता है, वी दे यू, यू सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, और क्या आता है, दीज एंड दोज। तो ये सारे हमारे क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं ताकि आपको प्रोनाउन और अच्छे से भी समझ में आ जाए। मयूर इज डांसिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है हमारा, ये हमारा नाउन है, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला है कि अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड आवर प्रोनाउन, मतलब नाउन की जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आप देख रहे हो ये हमारा नाउन है। मयूर के लिए हमने क्या बोला कि मयूर इज डांसिंग, वो डांस कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो मयूर की जगह हमने क्या लगाया, ही लगाया, ही हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पे नाउन के प्लेस में हमने क्या लगा दिया, ही। दैट मीन्स क्या हुआ कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, ही इज डांसिंग। सेकेंड है, रवि इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे बात हो रही है रवि की, बोला जा रहा है कि वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। फिर आप देख रहे हो रवि यहाँ क्या है, नाउन है, और यहाँ पे हमने रवि की जगह क्या लिखा है, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। तो क्या लिखा, एज इट इज, सारे सेंटेंसेस मैंने वैसे लिख दिए। नेक्स्ट इज सारा वेंट टू मूवी विद तारा। अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे सारा भी है, तारा भी है, है ना। तो सारा भी क्या है, एक किसी पर्सन का नाम है, तारा भी क्या है, वो भी किसी पर्सन का नाम है। तो यहाँ पे मैंने प्रोनाउन का यूज कहाँ किया है, आप देखिए, जैसे शी, शी यहाँ किसको बोला गया है, सारा के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सिंगुलर नाउन, हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और क्या होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। तो सिंगुलर में हमारे क्या होते हैं, आपका ही, शी, ये सारी चीजें। प्लूरल में हमारे क्या हो गए, यू, वी, दे। तो यहाँ पे शी का यूज किया गया गर्ल के लिए। किसी लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। किसी लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। यहाँ सारा की जगह हमने क्या लिखा, सी लिखा। वेंट टू मूवी विद तारा, मतलब सारा तारा के साथ मूवी देखने गई। नेक्स्ट इज टीना एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हो यहाँ पे टीना है, आई है, मतलब यहाँ पे टीना की भी बात हो रही है। टीना एक पर्सन है, आई मतलब मैं, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि प्लूरल में अगर दो लोग हैं तो वहाँ पे प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज कर सकते हैं, यू यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टीना और आई की जगह हमने क्या बनाया है, उसको प्लूरल में बनाने के लिए उसका प्रोनाउन क्या बनाया है, वी, मतलब हम, टीना और मैं, मतलब हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट है आपका बॉयज आर प्लेइंग। अब आप देख रहे हो बॉयज क्या है, ये हमारा क्या होता है, बॉयज, प्लूरल, यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो ये क्या है? मतलब एक बॉय की बात नहीं हो रही है, ज्यादा बॉय की बात हो रही है। तो मैंने आपको जैसा बताया है कि आपको सिंगुलर में आपने ही लगाया, शी लगाया, इट लगाया, लेकिन अगर आपका प्लूरल आता है तो फिर क्या लगाते हो, वी लगाते हो, यू लगाते हो, दे लगाते हो। तो बॉयज हमारे क्या है, प्लूरल है, तो हमने बॉय की जगह पे क्या प्रोनाउन यूज किया, दे। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट है द ट्री इज ग्रीन। अब यहाँ पे ट्री की बात हो रही है, तो ट्री के लिए कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है या किसी प्लेस या किसी थिंग की बात की जा रही है, इधर आपकी वो बुक हुई, कप हुआ, आप हाउस की बात कर रहे हो, बिल्डिंग की बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, द ट्री इज ग्रीन, पेड़ के बारे में बोला जा रहा है कि वो कैसा है, ग्रीन है। तो
हमने ट्री की जगह क्या लिखा है, इट इज ग्रीन, मतलब बता रहे हैं कि वो कैसा है, हरे कलर का है। फिर यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें लिख के दी हुई है, जैसे ही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपको पता ही होगा कि मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही हिज यूज करते हैं। शी क्या होता है, शी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, शी के साथ हम हर भी यूज कर लेते हैं। देन इट इट रिप्रेजेंट फॉर एनी ऑब्जेक्ट और प्लेसेस, इट क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई सामान हो गया आपका, कोई थिंग हो गया, कोई बुक हो गई, कोई पेंसिल हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तो ये सारे हमारे उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करते हैं। दे क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ढेर सारे लोगों का समूह। आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे एक बॉय की बात नहीं है, ढेर सारे बॉयज है, तो हमने क्या लिखा, दे। इसी तरह हम दे का कहाँ पर यूज करेंगे, दे जो प्रोनाउन है हम कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर ढेर सारे लोगों की बात होगी वहां पे हम दे का यूज करेंगे। तो आपको आई होप प्रोनाउन अच्छे से समझ में आएगा, एक बार मैं फिर आपको एक बार फिर से उसका बता देती हूँ। तो प्रोनाउन क्या था, आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये देख रहे हो मयूर, मयूर एक क्या है, नाउन है, किसी पर्सन का नाम है, उसकी जगह हमने क्या लिखा, ही, तो हमने मयूर को किससे रिप्लेस किया है, ही, तो ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। सिंगुलर में हमारे क्या आते हैं, ही, शी, इट, ये हमारे क्या है, सिंगुलर है, और यू। प्लूरल में हमारे क्या आते हैं, वी, यू, दे, दीज, ये सारे हमारे किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट के वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।